अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिफाइन करें। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हर चीज़ बताएं, तो उन नंबर्स को क्या कहा जाएगा? क्वांटम नंबर्स। तो डेफिनेशन हमने बनाई, द सेट ऑफ फोर नंबर्स दैट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करना, रदरफोर्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल में वीकनेस थी कि वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक ही लाइन्स के अंदर उससे हमें फाइन लाइन्स मिल रही थी। ठीक है, तो यहां से पता चला क्वांटम नंबर्स कितने हैं, चार हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे जाहिर किया जाता है स्मॉल एन से। दूसरा अज्यूमिथल क्वांटम नंबर, जिसे जाहिर किया जाता है एल से। ठीक है, तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास कौन सा है? तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास है के एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम। और चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको जाहिर किया जाता है एन से, और ये प्रोपोज किया था किसने? बोहर ने। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, मींस 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेप्ट 0। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये पॉइंट है, एमसीक्यूज में लाजमी काम आएगा, जहन में रखें, लाजमी जहन में रखें, एमसीक्यूज में काम आएगा कि एन की वैल्यू इंटीग्रल नंबर हो सकती है 1, 2, 3 और 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और एन क्या है? एन का पता चल गया कि एन है नंबर ऑफ शेल, तो हमें शेल्स का पता चल गया, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें एनर्जी लेवल का पता चल जाएगा, शेल का पता चल जाएगा या एनर्जी लेवल का पता चल जाएगा। जब एनर्जी लेवल का पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? साइज का पता चल जाएगा, और वहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी का पता चल जाएगा। और जैसे जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियस में जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। और सेम केस, अगर हमें एन की वैल्यू पता चल गई तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो इट मींस इट डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, मींस इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन। नोट करें आप इसको, ठीक है, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो क्वांटम नंबर है यह है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। बोहर्स की लाइंस में हमें उन लाइंस के अंदर जब उनको मैग्नीफाई किया गया तो हमें दूसरी लाइंस भी दिखाई देने लगी, तो इसका मतलब उन लाइंस को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन नहीं कर रहा था, तो हमें कोई और क्वांटम नंबर चाहिए। तो इस वजह से इस क्वांटम नंबर को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर या अज्यूमिथल क्वांटम नंबर या हम इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये किसने बताया था? ये सोमरफील्ड ने बताया था। ये क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? ये क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? शेप। और ये इसकी वैल्यूज होती हैं डिफरेंट, और वो वैल्यूज कैसे होती हैं? 0 to n-1 मींस इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है। और ये वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है? 0 से कहां तक? n-1 तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या था? उसकी इंटीग्रल वैल्यू थी लेकिन 0 नहीं थी। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है और n-1, माना n से 1 कम। तो अब ये वैल्यू जहन में रखें कि अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब s है, और s की शेप क्या है? स्फेरिकल।
अगर L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है? P, P की शेप कौन सी है? डंबल। L की वैल्यू 2 तो D, D की शेप कौन सी है? डबल डंबल। L की वैल्यू 3 तो F, F की वैल्यू क्या है? कॉम्प्लिकेटेड, या हम इसे 4 डंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से वैल्यूज जहन में रहे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 का मतलब S, P, D, F। अब ये हमें वैल्यूज इसकी गिवन हो, हमारे से पूछा जाए कि भाई ये कैसे हमें पता चलेगा कि L की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो यहां पे हम कुछ वैल्यू सपोज करते हैं, जैसे मैं हमने कहा कि N इज इक्वल टू 3, तीसरा शेल है, तो तीसरे शेल में सब शेल्स कितने होंगे? 3, ये हम पढ़ चुके हैं कि S होगा, P होगा, D होगा। अब हम उसकी वैल्यूज निकालते हैं थ्रू N बाय यूजिंग दिस फार्मूला। N इज इक्वल टू 3 है तो N माइनस 1 किसके बराबर होगा? N माइनस 1 बराबर होगा 3 माइनस 1 तो 2, N माइनस 1 होगा 2 के बराबर। अब मैं पूछूं L की वैल्यू क्या होगी, तो L की वैल्यू हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर N माइनस 1 तक, तो 0, 1, 2। तो आप देखें ये कितनी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं 3। L की वैल्यू 0 तो इसका मतलब S है, L की वैल्यू 1 तो इसका मतलब P है, L की वैल्यू 2 तो इसका मतलब D है, ठीक है। दोबारा समझें, अगर N हमारे पास 4 है, ठीक है ना, हमने कहा कि L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? N पर। N की वैल्यू 4 है तो पहले क्या निकालें हम? N माइनस 1 निकालें। N माइनस 1 क्या निकलेगा भाई? N माइनस 1 निकलेगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। अब इसकी L निकालें, L की वैल्यू क्या है? 0 टू N माइनस 1, मींस ये वैल्यू है, स्टार्ट करें 0 से, तो 0, 1, 2, 3, काउंट करें कितनी वैल्यूज आ गई? 4। तो इसका मतलब 0, तो 0 क्या है, किसकी वैल्यू है? S की। 1 किसकी वैल्यू है? P की। 2 किसकी वैल्यू है? D की। 3 किसकी वैल्यू है? F की। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, जिसे अज्यूमिथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एक और एग्जांपल इसका देख लो। अगर हम लिखें कि N की वैल्यू 1, पहले शेल, पहले हम ऐसे वर्बली पढ़ने के भाई पहले शेल में कितने सब शेल होते हैं? पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, ठीक है। तो मींस यहां से वैल्यू सिंगल निकलनी चाहिए, तो हम पहले क्या मालूम करेंगे? N माइनस 1, तो 1 की जगह रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। अब L निकालें तो L क्या निकलेगा? 0 टू N माइनस 1, 0, N माइनस 1 खुद किसके बराबर है? 0 के, तो कितनी वैल्यू निकली? सिर्फ 1। और ये जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? S को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हमें शेप तो पता चलती है, लेकिन यहां से हमें नंबर ऑफ सब शेल्स भी पता चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने कहा तीसरा शेल है तो तीसरे शेल में कितने सब शेल्स आए? 3। कौन कौन से? S, P, D। चौथा शेल है तो चौथे शेल में कितने सब शेल्स आए? 4। कौन से? S, P, D, F। और इसकी वैल्यू याद कर लो कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, मींस S, P, D, F। L 0 है माना S है, L 1 है माना P है, L 2 है माना D है, L 3 है माना F है। लेकिन अगर N 3 है तो इसका मतलब क्या है? आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे? कौन सा? 0 टू N माइनस 1, ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन अगर L 3 है तो इसका मतलब D, इसका मतलब F है। लेकिन अगर N 3 है तो इसका मतलब F नहीं है, इसका मतलब D नहीं है। आप वैल्यूज निकालोगे तो वैल्यूज से आपके पास S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा। और यहीं से हम नोट कर लें, यहीं से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
पहले हमने पढ़ा था कि भाई एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां एक फार्मूला भी है, ठीक है। एस लेते हैं हम, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमने पढ़ रखा है 2, लेकिन इस फार्मूले के थ्रू। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है याद रखो, 0। तो यहां फार्मूला रखें, 2 × 0 + 1, तो ये हो जाएगा 0 + 1, तो ये आ जाएगा 2। सेम केस पी, पी में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 6, हमने फार्मूला हमने ऐसे पढ़ रखा था, पी में 6 आते हैं। फार्मूले के थ्रू निकालें तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 2L + 1, और पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, तो ये फार्मूला 2L, तो ये हो जाएगा 2, 3, तो ये कितने आ जाएंगे 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10, फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करें तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 × 2 × 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ गए बात, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है। तीसरा जो क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद होगा जब फील्ड से वो स्प्लिटिंग हुई थी, 2 किस्म की स्प्लिटिंग हुई थी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो क्वांटम नंबर दिया था, ये लैंड नामी साइंसदान ने दिया था ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स कैसे स्पेस में अवेलेबल हैं। ठीक है, या यहां से आप ये भी कह सकते हो कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमने पढ़ा था कि एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे यहां हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे फिर फार्मूले से निकाले, यहां भी हम जो ऑर्बिटल्स हैं या जो ओरिएंटेशंस हैं वो फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एल पर, और एल से इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इस फार्मूले के थ्रू। कौन सा फार्मूला है, 2L + 1, या आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो कैसे, -L to +L पासिंग थ्रू 0। अब ऐसे ये वर्बली मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके पास कोई वैल्यू है 5 या कोई वैल्यू है 4, मैं कहूं इसको प्लस से स्टार्ट करो, माइनस तक लेके जाओ 0 के थ्रू, तो आप क्या करोगे, +4 + 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3 - 4, अगर वैल्यूज आप देखें तो कितनी हो जाएंगी, काउंट करके मुझे बताइएगा। अगर मैं कहूं कि आपके पास वैल्यू है 2, तो इसको माइनस से स्टार्ट करो, 0 तक लेके जाओ, फिर प्लस तक लेके जाओ, या प्लस से स्टार्ट करो, 0 तक जाओ, फिर माइनस तक जाओ। जैसे मैंने कहा 2, तो -2 - 1 - 0 + 1 + 2, तो काउंट करो कितनी वैल्यूज हो गई, 5। तो यहां से हमें ओरिएंटेशन का पता चलेगा या ऑर्बिटल का पता चलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ से, एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन एफ। ठीक है, और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, मैंने याद करवाया हुआ है, 0, 1, 2, 3, SPDF, तो 3 रख लिया हमने। दो तरीके हैं, एक तो आप वैसे स्टार्ट करो इसी वैल्यू को, एम की वैल्यू क्या है, -L to 0 to + L - L 0 to + L, ये जो एक तरीका है। अब यहां से क्या होगा, -3 - 2 - 1 - 0 + 1
प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है, काउंट करें ये कितनी वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं, सेवन ऑर्बिटल्स। ठीक है, या एफ की कितनी ओरिएंटेशंस हैं, सेवन ओरिएंटेशंस। यही अगर इस फार्मूले से निकालोगे तो भी यही जवाब आएगा। ठीक है, कैसे देखें, टू एल की जगह क्या लिखेंगे, थ्री प्लस वन, तो सिक्स प्लस वन कितना आ गया, सेवन, सेवन ओरिएंटेशंस। हर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंगल ऑर्बिटल को। ये माइनस थ्री का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल। माइनस टू का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल। माइनस वन का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल। जीरो का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल। मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि माइनस थ्री छोटा है प्लस थ्री बड़ा है। नहीं, एवरी नंबर इज अ नोटेशन एंड एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ऑर्बिटल। जीरो भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, प्लस थ्री भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, माइनस थ्री भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम यही वैल्यू अप्लाई करके कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, डी। अब डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पांच, ये हम यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, टू, तो यहां से क्या निकलेगा, देखो m, इसी को कहां लेके जाओ, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, कितने आए वैल्यूज, एक दो तीन चार पांच, तो इसका मतलब m में कितने ऑर्बिटल्स हैं, फाइव ऑर्बिटल्स या फाइव ओरिएंटेशंस, फाइव ऑर्बिटल्स और फाइव ओरिएंटेशंस। ठीक है, फार्मूला लगाओगे ये वाला तो इससे भी जवाब आ जाएगा, टू 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 जा फोर, फोर प्लस वन फाइव। अगर हम पी लिखें तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, वन, तो फार्मूला क्या होगा, माइनस वन जीरो प्लस वन, तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स हुए, तीन। ठीक है, तीन ऑर्बिटल्स मींस तीन ओरिएंटेशंस, और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हाउ दे आर प्लेस्ड इन स्पेस। जैसे पी में तीन ऑर्बिटल्स हैं तो एक ये होगा पी एक्स होगा, दूसरा ये पी वाई होगा, तीसरा ये पी जेड होगा। ठीक है, तो पी में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप एक जैसी है। एस में अगर देखा जाए तो एस में एक ही ऑर्बिटल है और वो स्फेरिकल है, तो वहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यक्सा है, एक जैसी है। यहाँ यक्सा नहीं है, यहाँ चार्जेस ज्यादा हैं और ये जो नोडल प्लेन है यहाँ चार्ज डिस्टेंस कम है। ठीक है, जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और इसे किससे जाहिर किया जाता है, एस से, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था, हुलनबेक ने और गाउड स्मिथ ने। ठीक है, इन्होंने ये क्वांटम नंबर पेश किया किस हिसाब से कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द तो घूमता है, उसके साथ साथ वो खुद के गिर्द भी घूमता है। तो याद रखें, जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी, एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगी, और वहीं से एक स्पिन उसके अंदर पैदा होगी, और उस स्पिन की वजह से क्या होगा, उसका एक क्वांटम नंबर आएगा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, जैसे हम प्लस वन अपॉन टू और माइनस वन अपॉन टू यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो स्पिन में भी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप ये क्वांटम नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। दोबारा जहन में रहे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन से, ये शेल के बारे में आ गया, अज्यूमिथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में,
और L की वैल्यू क्या हो सकती है, L की वैल्यू हमारे पास जीरो हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, और अगर इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालें तो वो क्या होंगी, 0 to n-1। M की पॉसिबल वैल्यूज निकालें तो वो क्या होंगी, -L to 0 to +L। ठीक है, इसको नोट करें, तो इसके बाद हम फिर MCQs करते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से सुने, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और इससे काफी सवाल आते हैं। MCQs हमने कुछ लिखे हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर शो करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ, किसके सॉल्यूशंस हैं क्वांटम नंबर, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, स्पिन को छोड़ के बाकी सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। Which quantum number gives the shell to which the electron belongs? कौन से quantum number से shell का हमें पता चलता है, ठीक है? तो shell कौन सा quantum number बताता है? That is quantum number 1। और इस 1 quantum number को क्या कहते हैं हम? Principal quantum number, ठीक है? तो इसका जवाब क्या होगा? N? नहीं, ये नहीं। ठीक है। Which of the following quantum number gives the shape of orbital? Orbital की shape कौन देगा हमें? Azimuthal quantum number L, ठीक है? What is the range of azimuthal quantum number? Qn जो मैंने लिखा है वो quantum number है। तो इसकी range क्या है? याद करें 0 to n-1, माना option C। हो गए note? आगे। The total value of magnetic quantum number, magnetic quantum number की total values कितनी है? ठीक है, तो वो हमने एक सॉल्यूशन किया था, उससे क्या निकल रहा था, 2L+1। ठीक है, टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे, हाउ मेनी वैल्यूज डस द स्पिन क्वांटम नंबर हैव? स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी है, 2, या +1/2 या -1/2। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन बी फॉर एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर हो सकता है? अब यहां के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स जहन में रखने हैं। पहला पॉइंट, ये क्वांटम नंबर के जितने भी पॉसिबल वाले सवाल हैं उन सारों में काउंट होगा कि n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नेगेटिव, और n हमेशा क्या होगा, 1, 2, 3, ऐसे होगा। L इज ऑलवेज लेस देन n, n से कम होगा, ठीक है, और L 0 भी हो सकता है। M और L बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन M कैन नॉट बी ग्रेटर देन L। बस ये चार बातें, n 0 नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, L n से कम होगा, n के बराबर या n से ज्यादा नहीं हो सकता। m और l आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन m बड़ा नहीं हो सकता, और m का जो मैंने बताया था -2, ये सिर्फ नोटेशन है। अब देखो, n4l3 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बताओ, n2l3 ये पॉसिबल नहीं होगा। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला देखो, n3l0, m-3, तो यहां मेरे ख्याल में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, तो ये
हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा और कर दूं, इसको कर दूं 3। तो अब कौन सा पॉसिबल हो रहा है? सिर्फ पहले वाला, बाकी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो व्हाट इज द अज्यूमिथल क्वांटम नंबर ऑफ द फॉलोइंग सबशेल। इस सबशेल के लिए अज्यूमिथल क्वांटम नंबर क्या होगा? अब देखें, हमें दो डंबल्स दिखाई दे रहे हैं, दो डंबल्स का मतलब कौन सा होगा हमारे पास? डी। तो डी के लिए अज्यूमिथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 2। आगे देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म इन एवरी डायरेक्शन इज इन विच ऑर्बिटल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इसका कौन से ऑर्बिटल में होता है? मैंने आपको बताया था कि एस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि एस स्फेरिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट इम्पॉसिबल है? तो पहले आप देखो, एन सारों का क्लियर है, क्लियर है। एल देखो, कम होना चाहिए, क्लियर, कम होना चाहिए, क्लियर, क्लियर, क्लियर। एल हमेशा एन से कम होना चाहिए, क्लियर होगा। एम देखो, बराबर, सही है, बराबर, सही है। एम इससे ज्यादा आ गई ना वैल्यू, या माइनस ना समझो, ये 3 समझो सिर्फ, ये 2, ये 3, तो ये ज्यादा आ गई, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है, तो दैट इज इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, दोबारा सुन लो कि एन से एल छोटा होगा, एल और एम आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन एम एल से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। आगे देखो, एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू 2, मस्ट क्या होगा? हैव स्पिन वैल्यू प्लस 1/2। ठीक है, ये जरूरी नहीं, माइनस 1/2 भी हो सकती है उसकी। एल वन, एल 0, 1, 2। अब ये सवाल आप लोगों के होमवर्क है, सोच के मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो पॉसिबल के लिए सबसे पहले क्या चेक करो, एन, एन नेगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए, एन क्लियर है। एल देखो, कम है, कम है, कम है, कम है, क्लियर है। एम देखो, कम, क्लियर, बराबर, सही है। ये क्या आ गया? ज्यादा, तो मींस ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन इसके हम लिख लें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? सी इज नॉट पॉसिबल। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अज्यूमिथल क्वांटम नंबर हैव फॉर द डी सबशेल। डी सबशेल के लिए अज्यूमिथल क्वांटम नंबर की कौन सी वैल्यू है? ठीक है, 2। विच क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ऑर्बिटल इन एन एटम। एटम में स्पेसिफिक ऑर्बिटल को कौन डिफाइन करता है? स्पेसिफिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ऑर्बिटल के, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना। अगला सवाल देखो, विच क्वांटम नंबर डू 2s एंड 2p हैव इन कॉमन। 2s और 2p में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय इसके, किसके? 2 कॉमन है इनका। क्या इनका l कॉमन है? नहीं। क्या n और l कॉमन है? नहीं, सिर्फ 2 कॉमन है, मींस n कॉमन है। उसके बाद लास्ट सवाल, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर यूनिकली डिफाइन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू, n 2 माना दूसरा शेल, L0, L0 का मतलब क्या है? S होगा। ठीक है, तो आप देखो, N2 सारों में क्लियर, L00 सारों में क्लियर। ठीक है, बाकी क्या रहा? L0 है तो M भी क्या होना चाहिए? M भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो M0 इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों हो सकते हैं। फिर स्पिन देखेंगे, स्पिन क्या होती है? क्या प्लस 1 स्पिन होती है? नहीं, स्पिन या प्लस 1/2 या माइनस 1/2, तो ये इसका जवाब होगा। ठीक है, तो
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने काफ़ी सारे MCQs किए हैं और क्वांटम नंबर्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्वांटम नंबर्स के पॉसिबल वैल्यूज देखने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि n को क्या देखना है। n ज़ीरो नहीं होना, n नेगेटिव नहीं होना, n इंटीग्रल वैल्यू होगी। l ज़ीरो हो सकता है, n से हमेशा छोटा होगा। m नेगेटिव हो सकता है, l के बराबर हो सकता है, लेकिन l से ज़्यादा नहीं होगा, l से हमेशा कम हो सकता है, बराबर हो सकता है। s या प्लस वन अपॉन टू होगी या माइनस वन अपॉन टू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।